नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों 3600 करोड़ रुपए का बजट स्मार्टफोन के लिए जारी कर दिया है, जिसमें 25 लाख स्मार्टफोन युवाओं को दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि युवाओं को हाईटेक बनाने के लिए उनके पास एक अच्छे क्लास का मोबाइल होना बहुत जरूरी है। तो पूरी न्यूज़ पे दोस्तों हम आते हैं, बहुत ध्यान से दोस्तों आप इस न्यूज़ को देखिएगा। लखनऊ प्रदेश सरकार युवाओं को हाईटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका मंगलवार को कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत योगी सरकार युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दे रही है। ये स्मार्टफोन स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के अलावा विभिन्न प्रशिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को दिए जाएंगे, ताकि वे अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी आगे के करियर में ये स्मार्टफोन मददगार साबित होंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इनको खरीद के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 3600 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार पर कोई व्यवहार नहीं पड़ेगा। इस संबंध में IT कंपनी इन्फोसिस प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण व स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से कॉरपोरेट सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म प्रदेश सरकार को निःशुल्क दे रही है। इसमें छात्र छात्राओं के भविष्य को सुधारने वाले 3900 कोर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो 25 लाख युवाओं को दोस्तों स्मार्टफोन देने की तैयारी सरकार ने कर ली और इसके लिए 3600 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी भी दे दी। मेरा मानना दोस्तों यहां पर यह है कि सरकार स्मार्टफोन टैबलेट ना दे करके, चाहे वो स्नातक के हैं, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे वो स्नातकोत्तर में हैं यानी कि PG वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों को दोस्तों रोजगार की ज़रूरत है, ना कि स्मार्टफोन की। अगर आपके पास एक अच्छा रोजगार है तो आप स्मार्टफोन और टैबलेट का जुगाड़ खुद से भी कर लेंगे। रोजगार के नाम पे आप किसी को टैबलेट या स्मार्टफोन पकड़ा दें और उससे कहें कि युवा हाईटेक हो जाएगा, एक बेरोजगार युवा के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ हो, तब भी वो दोस्तों कुछ नहीं कर सकता है। सारी चीज़ें उसके लिए व्यर्थ हैं जब तक उसके पास एक ठीक ठाक जीवन यापन करने के लिए जीविका ना हो। तो सरकार अगर रोजगार हर व्यक्ति को नहीं दे सकती तो ये 3600 करोड़ रुपये खराब स्मार्टफोन और टैबलेट में ना करके उन युवाओं को जो स्नातक हैं, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के ऊपर हो चुकी है, उन लोगों को एक छोटा सा बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है, जिससे कि उनका जीवन भी साकुशल व्यतीत हो सके। ये स्मार्टफोन देने से आप ढिंढोरा पीट देंगे इलेक्शन में आकर के कि हमने इतने युवाओं को स्मार्टफोन दिया। इन स्मार्टफोनों से दोस्तों किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति के पास एक एक नहीं दोस्तों, दो दो तीन तीन स्मार्टफोन है उसके घर में, उसके मम्मी के पास अलग, पापा के पास अलग, भाई बहन के पास अलग, और स्मार्टफोन से कोई काम किसी का नहीं रुक रहा है। तो रोजगार देने की ज़रूरत है सरकार को, ना कि स्मार्टफोन देने की ज़रूरत। आप लोग दोस्तों इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरा मानना ये है कि स्मार्टफोन से ज़्यादा ज़रूरी लोगों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ते से जोड़ा जाए, उनके जीवन के लिए दोस्तों ये सबसे बढ़िया माध्यम होगा। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।